साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा सवाल बन चुका है जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा की गई, सबसे ज्यादा थ्योरी गढ़ी गई, सबसे ज्यादा तो फैंस ने सच्चाई जानने के लिए धरती आसमान एक कर दिया, मगर धरातल पर जिन्हें सब कुछ करने की जरूरत थी वो चुप रहे और आज भी चुप ही हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की बहन के लेटेस्ट इंटरव्यू में कई ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं जिनको जानकर आपको केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड से पूरी तरह नफरत हो जाएगी। सुशांत की बहन ने कहा कि वो लगातार पीएम मोदी, महाराष्ट्र सरकार, सलमान खान और पूरे बॉलीवुड से समर्थन मांगती रही, मगर किसी ने भी मदद नहीं की, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। सुशांत की बहन का कहना है कि वो आज भी ईमेल करती रहती है मगर ना तो किसी का जवाब मिला और ना ही मदद। तो श्वेता सिंह कीर्ति का ये दिल चीर देने वाला इंटरव्यू आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे 4 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस दिन 14 जून 2020 की दोपहर को उस कमरे में क्या हुआ था जहां से एक्टर की बॉडी मिली। इस मामले में चल रही सीबीआई जांच में यूं तो कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया, मगर फिर भी उम्मीद है कि सीबीआई एक न एक दिन सुशांत की सच्चाई जरूर सामने लाएगी। अब सुशांत सिंह राजपूत की चौथी डेथ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से इस मामले में किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। श्वेता ने साफ साफ कहा कि उन्होंने पीएम मोदी, सलमान खान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कई बार मदद मांगी मगर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। मदद तो दूर की बात, आज तक किसी ने पलट कर जवाब तक नहीं दिया। अपने भाई को याद करते हुए श्वेता ने काफी इमोशनल पोस्ट भी सोशल मीडिया पर लिखा था। उन्होंने इस पोस्ट में कहा है कि भाई तुम्हें गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, हमें अब तक पता नहीं चला कि 14 जून 2020 को क्या हुआ था। आपकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। मैंने सच्चाई के लिए गुहार लगाई लेकिन आज आखिरी बार जो मदद कर सकते थे मैं उन सभी से पूछ रही हूँ कि क्या हमें ये जानने का हक नहीं है कि हमारे भाई सुशांत के साथ क्या हुआ। वहीं श्वेता ने अपने इंटरव्यू में इस केस को लेकर हताशा और निराशा जाहिर की। श्वेता से इंटरव्यू में सवाल किया कि आप हमारे पीएम मोदी को मिलने वाली थी, उसका स्टेटस क्या है, कभी आपने वापस उनसे मिलने की कोशिश की। श्वेता ने कहा मैंने कई बार पीएम मोदी को ईमेल किया लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने कई और तरीके से भी पीएम मोदी को अप्रोच किया मगर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुशांत की बहन ने कहा कि पीएम मोदी तो छोड़िए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी किसी भी तरह की मदद नहीं की। एकनाथ शिंदे को भी कई बार ईमेल किया गया, मिलने का समय मांगा मगर वहां से भी सिर्फ हताशा ही हाथ लगी। श्वेता सिंह कीर्ति ने कहा कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बड़े सितारों से मदद मांगी, सलमान खान से मदद मांगी मगर कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। श्वेता ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में सारे लोग बात तो भाई के लिए करते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट पर भाई की बातें सभी करते हैं लेकिन जहां पर जस्टिस की बात आती है सब खामोश हो जाते हैं। जस्टिस के नाम पर सबकी जुबान चुप हो जाती है, सब जानना तो चाहते हैं कि हुआ क्या था मगर मदद के नाम पर सब पीछे हो जाते हैं। श्वेता ने साफ साफ कहा कि बॉलीवुड में से आज तक किसी ने भी मदद नहीं की। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून 2020 की दोपहर के आसपास इस खबर ने सबको जोर का धक्का दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। हर कोई इस खबर को सुनकर सन्न था। उनकी मौत को लेकर पहले तो सुसाइड वाला एंगल सामने आया लेकिन धीरे धीरे इसे मर्डर कहा जाने लगा। आज भी काफी लोग इसे मर्डर मानकर ही चल रहे हैं। सीबीआई की जांच में ड्रग एंगल घुलकर भी सामने आया था और जब इस केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई तो जांच में ड्रग सिंडिकेट की बातें भी सामने आई। इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती भी फंसी थी और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और इसी तरह 4 साल गुजर गए मगर अभी तक किसी भी तरह का खुलासा नहीं हो पाया। और सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति की बातों से तो साफ हो चुका है कि किसी को भी सुशांत के इंसाफ से कोई मतलब नहीं है, ना ही केंद्र सरकार को, ना महाराष्ट्र सरकार को और ना ही बॉलीवुड को। तो आपका सुशांत की बहन के इस पूरे इंटरव्यू पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनावों में उद्धव ठाकरे को सिंपैथी वोट की भरमार मिली है। पार्टी छिन जाने के बाद उद्धव को जनता का साथ मिला है जिससे उद्धव दोगुनी ताकत के साथ वापसी करते दिख रहे हैं, मगर फिर भी उद्धव ठाकरे को पीएम मोदी की जरूरत है। दरअसल बीजेपी में जाने के इच्छुक दिख रहे उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को एक खत भेजा है और वो खत अब मीडिया के जरिए सामने आया है। खत के मुताबिक पीएम मोदी को उद्धव ठाकरे ने पहले तो प्रणाम किया और फिर तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के लिए बधाई भी दी। मीडिया सूत्रों की माने तो खत में उद्धव
उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उनके पिता ने महाराष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मराठी मानुस ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए लोगों के लिए भी उनके पिता ने बहुत काम किया था और इसी की बदौलत उनके पिता की पार्टी शिवसेना हमेशा से महाराष्ट्र की जनता के विश्वास पर आगे बढ़ती रही। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा, मेरे पिता के बाद मैंने और मेरे सहयोगियों ने इस पार्टी के लिए जी जान लगा दी। जो मेरे पिता किया करते थे उन सब कामों को पूरी श्रद्धा के साथ करते रहे और जनता की भलाई के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उद्धव ने लिखा, मगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती था और मेरे पीछे से मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे विधायकों को पैसों के बल पर खरीदा गया, मेरे नेताओं को गुमराह किया गया और मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया। मेरे पीठ पर खंजर घोपा गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, मेरे पिता की विरासत मुझसे छीन ली गई और तो और शिवसेना के साथ उसका लोगो धनुष बाण तक मुझसे छीन लिया गया। सूत्रों की माने तो उद्धव ने आगे लिखा, मगर अब जनता ने उस धोखेबाज को जवाब दे दिया है और बता दिया है कि जीत हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की होती है। जनता ने मेरा साथ दिया है, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी पार्टी वापस की जाए, मेरी पार्टी का लोगो मुझे वापस दिया जाए क्योंकि उस पर मेरा हक है। अब तो जनता ने भी इंसाफ कर दिया है, शिवसेना और धनुष बाण पर सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे के बेटे का हक है। उद्धव ठाकरे ने आगे लिखा कि उस वक्त चुनाव आयोग ने मेजोरिटी के हिसाब से शिवसेना को एकनाथ शिंदे को दिया था, मगर अब मेजोरिटी मेरे साथ है तो मेरी पार्टी मुझे वापस की जानी चाहिए, न्याय तो यही कहता है। उद्धव ने लिखा, मेरी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है मगर हम दोनों जनता के सेवक हैं, हम दोनों ने किसी से छीना नहीं है बल्कि जनता ने हमें दिया है और अब वक्त आ गया है कि छीन कर सत्ता पर बैठने वालों को सबक सिखाया जाए। कुल मिलाकर इस खत में उद्धव ठाकरे शिवसेना और शिवसेना का लोगो वापस मांगते नजर आए, कभी पिता का हवाला देकर तो कभी लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देकर। उद्धव ने पीएम मोदी से गुजारिश की कि वो न्याय करे और उन्हें उनके पिता की पार्टी को वापस करे। तो आपका उद्धव के इस पूरे खत पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र की एनसीपी में गजब का घमासान मचा हुआ है। पार्टी में एक साथ महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखने को मिल रहा है। पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल नहीं हुए। उन्होंने वजह बताई कि उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से मनपसंद पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा था। तो वहीं रायगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुनील तटकरे बतौर राज्य मंत्री ही केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने सुनील तटकरे को भी मंत्री नहीं बनने दिया। अब खींचतान की एक और नई वजह इस पार्टी में महाराष्ट्र में सामने आई है। एनसीपी ने अब पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी भर दिया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले पर एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल बुरी तरह नाराज हैं। सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि वो निश्चित रूप से राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन सुनेत्रा पवार की वजह से अब वो नहीं जा सकते। वहीं खबर ये भी आ रही है कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली जाकर बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात की है, राज्यसभा के लिए छगन भुजबल को आगे करने का फैसला किया है। ये सीक्रेट डील हो चुकी है जिसकी खबर शायद अजीत पवार को भी नहीं थी। ये आपको बता दें कि दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी सरकार गठन करने के लिए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय किया जाने लगा तो सीटों के हैसियत के आधार पर अजीत पवार की पार्टी को मात्र एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद ऑफर किया गया। एनसीपी की ओर से मंत्री पद की इस रेस में प्रफुल्ल पटेल सबसे आगे थे, लेकिन सुनील तटकरे भी उनके पीछे थे और सुनेत्रा पवार पहले ही चुनाव हार चुकी थी, इसलिए सुनेत्रा पवार का यहाँ पर कोई काम नहीं था। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ना तो खुद राज्य मंत्री बने और ना ही सुनील तटकरे को बनने दिया और अब सामने आ रहा है कि सुनेत्रा पवार को जब राज्यसभा भेजने का फैसला अजीत पवार कर चुके हैं तो यही प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल मिलकर सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भी नहीं जाने देना चाहते, बल्कि खुद छगन भुजबल सुनेत्रा पवार की जगह एनसीपी की तरफ से राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसी बात को लेकर पार्टी में घमासान मचा हुआ है।